नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज की यह वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। जब पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है उस केस में गुडविल को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, ये सेम टॉपिक जब हमने चेंज इन शेयरिंग रेशियो की थी तब भी किया था। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि गुडविल दो तरह की होती है, परचेज गुडविल होती है जिसको हमेशा राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, परचेज गुडविल मैंने कहा था कि ये बैलेंस शीट में शोन होती है। पिछली बार मैंने आपको बताया था, जो पिछली चैप्टर किया था तब बताया था कि परचेज गुडविल इज शोन इन बैलेंस शीट, उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, और दैट इज टू बी राइट ऑफ एवरी टाइम। इसको हमें क्या करना है, हर हाल में राइट ऑफ करना। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। ठीक है, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। तो याद रखे, पहले आपने चेक करनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को जब आप चेक करोगे तो उसमें आपको गुडविल मिल सकती है असेट साइड। यदि असेट साइड गुडविल अवेलेबल है तो इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि आपको वो गुडविल परचेज गुडविल दी है और आपका काम है उसको राइट ऑफ करना ओल्ड रेशो में। ठीक है, उसके बाद ये हर सिचुएशन में सेम काम होगा इसका, चाहे चेंज इन शेयरिंग रेशियो थी, चाहे एडमिशन है, आने वाले चैप्टर रिटायरमेंट या डेथ है। इसको तो आपने इस तरह से समझना है कि बैलेंस शीट में गुडविल अवेलेबल है तो आपने उसको राइट ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है। ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन शेयरिंग रेशियो और डेथ, चारों केसेस। अब उसके बाद गुडविल इन एडजस्टमेंट, जो गुडविल एडजस्टमेंट में दी होती है। ठीक है, एक बैलेंस शीट के अंदर दी होती है, एक एडजस्टमेंट में दी होती है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जिसको हमने एडजस्ट करना होता है। जिसको हमने क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है। कैसे करेंगे उस गुडविल का ट्रीटमेंट, किस तरह से करेंगे, यही हमें समझना है। हमारा मेन टॉपिक क्या है? यही है। देखिए क्या होता है, सुपोज कीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं 3:2 में। ए और बी दो पार्टनर्स हैं 3:2 में। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, तो मैंने आपको बताया कि अब ये सी है जो, इसको 1/4 देने वाले कौन कौन है? ए और बी। ये 1/4 कौन कौन दे रहे हैं? ए और बी दे रहे हैं, यानी कि ये अपना हिस्सा सेल कर रहे हैं किसको? सी को, जिसके बदले में पेमेंट की जाएगी गुडविल के फॉर्म में। ठीक है, पेमेंट किस फॉर्म में की जाएगी? गुडविल के फॉर्म में। ठीक है, अब सपोज करो 1/4 क्वेश्चन में क्या रखा, सी फर्म में पार्टनरशिप में आता है और 1/4 ए से लेता है, यानी कि ए का हिस्सा खरीदा गया, तो जो पेमेंट गुडविल ये लेकर आएगा
शेयर थी वो सारी की सारी ए को ही देगा, क्योंकि ए से ही उसने शेयर खरीदा है, बी का शेयर एलजीटीज है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है बात। तो ध्यान दें कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है एडजस्टमेंट्स के अंदर, उसे आप सेक्रीफाइस रेशियो में एडजस्ट करोगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर परचेज गुडविल है उसे ओल्ड रेशियो में, और जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल एडजस्टमेंट के अंदर है उसे सेक्रीफाइस रेशियो में आपने क्या करना है, एडजस्ट करना। ठीक है, अब देखिए तीन केसेस में गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। पहला केस वहन गुडविल इज पेड, वहन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया जाता है, यानी कि क्या हुआ, ए बी तीन दो में बांटते थे, सी एक बटा चार के लिए आया, सी को जो शेयर ए और बी ने दिया है, सी फर्म में गुडविल नहीं लाया, उसने बाहर के बाहर जो भी पैसे बनते थे वो दे दिए, और ए और बी उसे कहां ले गए, अपने घर पर ले गए। ठीक है, यानी कि फर्म के अंदर गुडविल का अमाउंट आया ही नहीं, तो उसकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, नो ट्रीटमेंट। यदि क्वेश्चन में ये है कि गुडविल इज पेड प्राइवेटली, गुडविल कैसे पे की गई है, प्राइवेटली पेड की है, तो क्या हो जाएगा, नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस, केस नंबर सेकेंड या बी, वहन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है कैश में, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो अपने हिस्से की गुडविल का प्रीमियम लेकर आया, प्रीमियम फॉर ए गुडविल। क्वेश्चन कैसे मिलेगा, वही ए और बी पार्टनर 3:2 में, सी फर्म में एंट्री करता है, न्यू पार्टनर है, 1/4 के लिए उसने कहा, सिर्फ 1/4 शेयर के लिए वो आया, उसके बाद फुल स्टॉप, कोई कंडीशन नहीं थी कि वो 1/4 ए और बी से कैसे प्राप्त कर रहा है, सारा ए से कर रहा है बी से कर रहा है। तो डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट बताई थी, सिखाई थी आपको, यहां पर ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगी। ठीक है, ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगी। अब जो सी आया, सी ब्रिंग्स 20,000 रुपीज फॉर कैपिटल एंड 10,000 रुपीज फॉर गुडविल फॉर हिज शेयर ऑफ ए गुडविल। ध्यान देने की बात है, सी ब्रिंग्स 20,000 रुपीज फॉर कैपिटल, सी कैपिटल के 20,000 रुपए लाता है और 10,000 रुपए गुडविल के लाता है अपने हिस्से के लिए। ठीक है, मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, सी ब्रिंग्स 20,000 रुपीज फॉर कैपिटल एंड 10,000 रुपीज फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ ए गुडविल। ठीक है,
तो क्या हुआ, आपके पास फर्म में रुपए आए 20,000 कैपिटल, 10,000 रुपए गुडविल, यानी कि टोटल जो रुपए आए हैं वो है आपके पास 30,000 कैश अकाउंट डेबिट, 30,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी अपनी कैपिटल का अमाउंट लेकर आया कितना, 20,000 रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया है, 10,000। तो यहां लिखे 10,000। यहां भी एक बात देखनी है, कई बार तो वो आपको देगा सीधा कि वो अपने हिस्से के लिए इतना लेकर आया, कई बार आपको टोटल फर्म की गुडविल दी होती है। जैसे मान लीजिए यहां टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है, वो टोटल फर्म्स गुडविल इज 40,000, तो आप कितने के लिए आए, 1/10 के लिए, ठीक है, 1/10 के लिए टोटल फर्म की गुडविल अगर उसने आपको 1,00,000 रुपए दी और आप 1/10 के लिए आए हो तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए आपका अमाउंट आ जाएगा गुडविल का, आपके हिस्से का। यानी कि यदि उसने आपको डायरेक्टली आपका खुद का हिस्सा, नए पार्टनर का खुद का हिस्सा दे रखा है तो सीधा 10,000 आप वो हिस्सा लिख देंगे। यदि उसने ये कहा कि टोटल फर्म की गुडविल है 1,00,000, तो आपने पहले उसका हिस्सा निकालना है, ठीक है, उसका हिस्सा कितना है, 1/4, ठीक है। तो यहां पर शायद गलती है, इसलिए टोटल फर्म की गुडविल को हम मान लेते हैं 40,000 रुपए है, तो 40,000 रुपए में उसका हिस्सा हो गया 1/4, यानी कि 10,000। कहने का मतलब यह हुआ कि आपने देखना है कि उसका खुद का शेयर ही जो शेयर दे रखा है या टोटल फर्म का शेयर दे रखा है। यदि उसका खुद का शेयर दे रखा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और यदि उसने आपको टोटल फर्म का शेयर दे रखा है तो आपको क्या करना है, उस शेयर को, उसका हिस्सा निकाल लेना है, ठीक हो गई बात। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, पहली एंट्री हो चुकी है कैश अकाउंट डेबिट, दोबारा करता हूं मैं ऊपर, कैश अकाउंट, कैश टोटल आया था आपका 30,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल आया था 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। जो ये गुडविल लेकर आता है ये एक्चुअल में क्या होती है, पेमेंट होती है किसको, टू द पार्टनर हूज शेयर वी बॉट, जिसका शेयर हमने खरीदा है उसको पेमेंट की है गुडविल के फॉर्म में। यानी कि किस रेशो में शेयर किया है आपने, खरीदा है सैक्रिफाइस रेशो में, ठीक है, यानी कि ऑल पार्टनर्स ने, ए और बी ने जिस रेशो में आपके लिए सैक्रिफाइस किया, ठीक है, तो वो रेशो क्या हो जाएगी आपकी, वो शेयर आपने किसको देना है, ए और बी को देना है। अब क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको देना है, ये गुडविल जिसने आपके लिए अपना हिस्सा दिया है, यहां पर दोनों ने दिया है क्योंकि सैक्रिफाइस रेशो क्या थी, 3:2। कौन सी रेशो में बांटोगे याद रखना, लिख भी ले रहा हूं मैं यहां पर, सैक्रिफाइस रेशो कितनी थी गुडविल, 10,000, 3-2 में बांटेंगे, 5-5 3, 2-2 3 6 और 2-2 4,000 रुपए ये
आपका हो गया। ठीक है, इतना सवाल पूरा हो जाएगा अगर वो कहे कि गुडविल को फर्म में रिटेन किया गया है। मोस्टली केसेस में सवाल आपका यहां खत्म हो जाएगा, लेकिन एक आध बार वो आपको ये कहता है कि ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा अपना हिस्सा फर्म से निकाल लिया गया। ठीक है, यानी कि इनको जो 6,000 और 4,000 मिले थे इन्होंने क्या किया, निकाल लिया, यानी कि फर्म से पैसे गए हैं। तो क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट कितना गया आपके यहां से। अगर वो कहता सारा निकाल लिया तो 6 और 4, 10,000 पूरा निकल गया। अगर उसने कहा अभी हाफ निकाला तो यहां 3 या 2, यहां हो जाएगा 5। जैसा भी उसने आपको कहा है वैसा आपने कर लेना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। तो ये तो थ्योरेटिकल बेस गुडविल के टॉपिक का, अब आगे आने वाली 2 वीडियो इसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, एक और केस है, इसमें 2 केस करवा दिए, जब प्राइवेटली लाता है, जब कैश लाता है, और जब वो कैश लाता ही नहीं, तीसरा केस वो बनेगा, वो आपको बाद में करवाया जाएगा। कल इस केस के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इससे पहले प्रैक्टिस शुरू करें आप, इसको ध्यान से सीख लें। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और प्रिपरेशन आपकी जबरदस्त बन जाए। ठीक है, इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास क्या पहुंचे, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।